सम्मेलन के लिए आज इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य और क्लाइमेट चेंज पर करेंगे सम्मेलन में चर्चा। आज लखनऊ दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के मिशन 2022 का करेंगे आगाज। सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। सीएम योगी ने विपक्ष पर किया वार, कहा चुनाव आते ही बदल रहे सबके सुर। ललितपुर पहुंची प्रियंका गांधी, वाड्रा लखनऊ स्टेशन पर कुलियों से मिलकर जाना हाल, मदद का दिलाया भरोसा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय दौरे पर इटली पहुंच चुके हैं, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में पीएम G20 के नेताओं के साथ महामारी, विकास और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी 30 से 31 अक्टूबर तक रोम में ही रहने वाले हैं। वहां होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, साथ ही इटली के पीएम से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो आपको बता दें, 5 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इटली, और ऐसे में आज G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, जिसमें कोरोना, अर्थव्यवस्था, विकास और जलवायु जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और ऐसे में आपको बता दें, इटली के प्रधानमंत्री से भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। योगी ने प्रदेश के कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में तोहफा दिया है। योगी ने दिवाली से पहले भी कर्मचारियों को अक्टूबर महीने के वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा यूपी सरकार 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को भी दिवाली से पहले तोहफा देने की तैयारी में दिख रही है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली बोनस और महंगाई भत्ता एक साथ दे सकती है। वहीं सीएम योगी ने गुरुवार को निर्देश देते हुए कहा कि दीपावली के मद्देनजर सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अक्टूबर महीने में वेतन का भुगतान हर हाल में 1 नवंबर तक किया जाएगा। तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जनता को यह दिवाली का तोहफा दिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक महापंचायत के जरिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से गठबंधन कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने राजभर पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि माफियाओं की ताकत का इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी ने इस रैली को प्रायोजित किया है। तो ऐसे में बीजेपी कैबिनेट मंत्री ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि बीजेपी कैबिनेट मंत्री ने पलटवार किया और राजभर ने बीजेपी पर वार किया था, जिसका अब पलटवार ये किया गया है। देखिए, एक तो बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये माफियाओं की ताकत का इस्तेमाल कर समाजवादी पार्टी ने इस पूरे रैली को प्रायोजित किया। बनारस, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और इधर घाघरा के उस पार से भी मैं देख रहा था, जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को हम लोग पहचानते हैं, कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, वो भी टोपी लगाकर, रंग बदलकर, तो और उस मंच से जिस तरह से राजभर समाज को अपमानित किया गया, राजभर समाज को शराबी कहा गया, राजभर समाज को दारूबाज कहा गया, इसका हम घोर निंदा करते हैं। हरदोई जनपद के संडीला विधानसभा क्षेत्र के काके मऊ गांव के पास 27 नवंबर को महाराज सहेली सिंह अक्रवंशी के जयंती कार्यक्रम को लेकर मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ने जनता को दूनी आट पढ़ाया है। राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देश में 7 साल हो गए हैं और प्रदेश में पूरे 5 साल और कार्यकाल हो चुका है। यहाँ विकास हुआ है तो बस महंगाई का हुआ है। तो राजभर ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में
ना तो विकास किया और ना ही कुछ और किया है। ऐसे में आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 16 दूनी 8 पाठ पढ़ाया है बीजेपी ने जनता को, और राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देश में 7 साल हो चुके हैं और प्रदेश में पूरे 5 साल का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी विकास नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार में विकास हुआ है कि श्मशान घाट से लाश गांव में गई है। 75 साल की आजादी में इन्होंने इतना विकास किया है कि श्मशान घाट से लाश गांव गई है, अब तक गांव से लाश श्मशान घाट जाती है, ये इनका विकास है। ये झूठ बोलने में एक नंबर का विकास बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा दिया था समाज को कि हमारी सरकार बना दो, 15-15 लाख देंगे। झूठ बोलने में विकास है। इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, ये झूठ बोलने में एक नंबर है, इनका विकास है। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, ये इसमें उनका विकास है। इन्होंने वादा किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा, इन्होंने विकास किया। देश में रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हरदोई से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 27 नवंबर को ये कार्यक्रम किया जाएगा जयंती के मौके पर, इसको लेकर निरीक्षण करने के लिए राजभर वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता को छला गया है और अब तक प्रदेश में कुछ भी विकास नहीं किया गया। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये हरदोई में ओम प्रकाश राजभर ने बंगाल में खेला के बाद यूपी में हुई खदेड़ा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर हमला बोला है। बोला भाजपाई ने महंगाई का किया विकास, जनता को पढ़ाया 16 दूनी 8। कंडीला के महाराजा सोहली सिंह अग्रवंशी की जयंती के कार्यक्रम में रूपरेखा तय करने आए थे ओपी राजभर, जो की 27 नवम्बर को काकेमाव के मैदान में होगा विशाल कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रेमपति प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर, बिंद, अनिल चौहान आदि लोग मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, और कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी, उनकी तैयारियां उनकी तरफ से पूरी हो चुकी हैं, जो कि 27 नवंबर को होगी कार्यक्रम, जो होगा वो होगा। चलिए ठीक है मोहम्मद आसिफ, आपका शुक्रिया बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। तो ऐसे में हरदोई में ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे, 27 नवंबर को जयंती के मौके पर कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उत्तराखंड कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष ताहिर अली ने काशीपुर सहित जिला उधम सिंह नगर दौरे के दौरान प्रदेश की धामी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी सरकार चारों खाने चित हो जाएगी, क्योंकि सूबे की जनता केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से आज पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। ताहिर अली ने कहा कि देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई के साथ ही गैस और पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम इंसान की कमर टूट चुकी है और इसके नतीजे आने वाले चुनावों में बीजेपी सरकार को भुगतने होंगे। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उसको लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष ने ये बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति और बीजेपी के काम से प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और 2022 में जनता बीजेपी को इसके नतीजे बता देगी। देखिए, मैं उधम सिंह नगर में आता रहता हूं और मैं आज का जो मेरा आने का मकसद है, आज मैं एक संदेश लेकर आया हूं। मैं अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब, वो 14 नवंबर 2021 को देहरादून आ रहे हैं और परिवर्तन जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं उस सिलसिले में जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर और उधम सिंह नगर के मैं हर क्षेत्र में जाऊंगा। उसमें हमारे जो पदाधिकारी है, अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी और मेन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सब शिरकत करेंगे उसमें।
अलीगढ़ में पुरानी पेंशन सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट पर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी और पेंशनर अधिकारी मंच के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस संगठन में 100 से ज्यादा मान्यता प्राप्त संगठन के राज्य कर्मचारी और शिक्षक धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों और उनके नेताओं का कहना था कि पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य 11 सूत्र मांग हैं, जिसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 30 नवंबर को लखनऊ में पूरे प्रदेश के कर्मचारी एक कार्यक्रम के जरिए अपना प्रदर्शन करेंगे। ये कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर अधिकार मंच है, इसमें बहुत सारे लगभग 100 संगठन सम्मिलित हैं, जिसके अध्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पूरे प्रदेश के डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा जी हैं और अन्य संघों के इसमें महामंत्री हैं। इसमें सारे अधिकारी संघ भी हैं, पेंशनर्स भी हैं, कर्मचारी भी हैं और शिक्षक भी हैं। देखिए, मेरे तो जस्ट अभी अभी संज्ञान में ये आया है, या एक मिनट पहले ही मेरे व्हाट्सएप पे आया है ये वीडियो, और इसकी मैं जांच कराऊंगा और अगर दोषी पाया जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है आपको, कौन है? प्राथमिक तौर पे लेखपाल तो दिखाई दे रहा है, उसमें राजेश गुप्ता ही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रोजगार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रही है, तो वही विद्युत विभाग में कार्य कर रहे 990 मीटर रीडर संविदा कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं। गौना के हर विद्युत केंद्र पर तैनात मीटर रीडर CSPL कंपनी के माध्यम से मीटर रीडिंग का काम कर रहे थे, लेकिन अब नई कंपनी TDS के आने के बाद बिना कोई लिखित आदेश के मांग की जा रही है कि अगर प्रत्येक मीटर रीडर TDS कंपनी को 22,000 रुपये नहीं देगा तो उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, जिसके बाद अब मीटर रीडर परेशान होकर अपने उच्च अधिकारी सहित जिलाधिकारी को ज्ञापन देने को मजबूर हो गए हैं। तो गोंडा की ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर प्राइवेट कंपनी की मांग रही है कि भर्ती के लिए पैसा देना होगा, प्राइवेट कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है, और 990 से ज्यादा मीटर रीडर इस चक्कर में बेरोजगार हो गए हैं। आपको बताते हैं, बिजली के बिल के लिए रीडिंग लेने घर घर जाने वाले जो कर्मी हैं उनकी नौकरी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसमें नई कंपनी आई है TDS, उसके द्वारा सभी मीटर रीडरों के द्वारा जो 3 से 4 साल पुराने हैं उनसे 22,000 रुपया मांगा जा रहा है। 22,000 रुपये ना देने की स्थिति में उनसे कहा जा रहा है कि आपको किसी ने बुलाया नहीं है काम करने के लिए, या 22,000 नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। ये TDS कंपनी के द्वारा उनके कर्मचारियों द्वारा मांगा जा रहा है। जबकि कल MD सर से बात हुई तो MD सर कह रहे हैं कि ऐसा कोई मांग कंपनी के टेंडर में नहीं है कि उनसे सिक्योरिटी मनी ली जाए लड़कों से। और कल एक लेटर हम लोगों ने चीफ साहब को गोंडा में दिया है, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम जिला अधिकारी से को देने आए थे अपने समस्याओं के बारे में, लेकिन जिला अधिकारी साहब ने साफ मना कर दिया है कि हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आ रहा है। अभी तक मैं कार्यरत था इस कंपनी में CSPL में, और नेक्स्ट नवम्बर से क्या नाम है ये TDS कंपनी आ रही है। इसके थ्रू पहले पैसा मांगा जा रहा था कि 30,000 रुपये, टेलीकॉलर लोग हम लोगों के पास कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे कि 30,000 रुपये लगेगा। तो राजवीर सिंह जो है इन लोगों को अरेस्ट करवाए और उसके बाद इनको जेल भी भेजा गया, इनको फिर मैनेज कर लिया गया। सर, हम लोग मीटर रीडर के पद पर कार्यरत थे, हमारे जितने मीटर रीडर भाई हैं सब मीटर रीडर पर कम से कम तीन चार साल से लगातार कार्य कर रहे हैं। एक कंपनी जो पुरानी कंपनी थी CSPL, उसमें हम लोग कार्यरत थे, जिसकी हमारी ID सभी लोगों की ID लॉगिन थी हर महीने, इस महीने हम लोगों की ID नहीं लॉगिन है। बुलंदशहर के कचहरी परिसर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आपको बता दें कि पति पत्नी के विवाद में सड़क पर जमकर दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें पीड़िता ने अधिवक्ता के चैम्बर में घुसकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के समझौता के लिए महिला सेल में दोनों पक्ष पहुंचे थे, वहीं दोनों के बीच गहमागहमी के बाद ये विवाद बढ़ गया और दोनों में मारपीट होने लगी। तो बुलंदशहर का मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पति पत्नी में विवाद हो गया और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, किस तरह से ये मारपीट की जा रही है, जिसके बाद महिला ने अपनी भागकर वहां से जान बचाई। दरअसल पति पत्नी में जो विवाद चल रहा था उसको सुलझाने के लिए वहां पर लोग आए थे और आपस में ही ये सभी लोग भिड़ गए।
कासगंज में पुलिस अधीक्षक प्रमोद रोहन बोथरे के निर्देश पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्र में ग्राम नगला हीरा के जंगल में इंस्पेक्टर जीपी सिंह को मुख्य बीग ने सूचना दी थी कि हीरा नगला के जंगल स्थित ट्यूबवेल पर एक व्यक्ति अवैध बंदूक लेकर शराब के साथ बैठा है। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर के निर्देश पर उप निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो कासगंज का ये पूरा मामला है जहाँ पर पुलिस ने शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और उसके तहत के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत पुलिस ने शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर में ट्रैक्टर और कार में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 8 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग रामकोला से देवरिया जा रहे थे, वहीं रास्ते में ये हादसा हो गया। तो कुशीनगर की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर ट्रैक्टर ने कार में टक्कर मार दी। आमने सामने की ये टक्कर बताई जा रही है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों लोगों ने और पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा के बरसाना स्थित माताजी गौशाला में इस समय एक अनोखा उपयोग लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ गाय के गोबर से बिजली बनाने का काम किया जा रहा है। इस गौशाला में लगभग हर रोज इतनी बिजली बनाई जाती है कि किसी भी समय बिजली जाने पर 300 यूनिट तक या उससे ज्यादा की बिजली पूर्ति इस गोबर के गैस प्लांट से की जा सकती है, जिसकी वजह से अब यहाँ के लोगों को बिजली की किल्लत से नहीं जूझना पड़ता है। तो मथुरा में यह अनोखा काम किया जा रहा है गौशाला में, जहां पर बिजली की किल्लत लोगों की दूर की जा रही है और लोगों को एक बड़ी राहत दी जा रही है। आपको बता दें गौशाला में गाय के गोबर से बिजली बनाई जा रही है और ऐसे में इतनी ज़्यादा बिजली बन रही है कि अगर कभी भी बिजली का संकट वहां पर हुआ तो 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है गौशाला की तरफ से। यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट है, जिस बायोगैस प्लांट की जो गैस है उससे ये जनरेटर चलता है और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है लगभग 100 किलोवाट और मैक्सिमम 5 घंटे में ये 300 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो किस तरह से ये गैस बनती है यहाँ पे, क्या इसका सिस्टम है, कितने साल से यहाँ बना रहे हैं और महाराज जी गैस किस तरह से इसका एक सोच आया? गैस 5 साल से लगभग बन रही है, ये 5 साल पहले डेवलप किया गया था इस प्लांट को और 5 साल से कंटिन्यू इस हम डर ये टरबाइन भी अपने पास एक जनरेटर है ये जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अपनी बिजली बनती है, बिजली से अपने पंखे मोटर पानी की सब कुछ चलता है। सबसे पहली बात है जो गोबर गैस के लिए आपने पूछा है, तो हम लोग जब गौशाला बना रहे थे बनाते बनाते शास्त्रीय एक श्लोक सामने आया कि गौमय बसते लक्ष्मी, कि गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास है। अब वो बास लक्ष्मी का कैसे है, तो उसको कैसे निकाला जाए लक्ष्मी को, इसके ऊपर मनन होना शुरू हुआ। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो एक चंद्रमोहन जी करके हैं जो चंडीगढ़ के हैं, उनकी मैडम भी हैं बेवा जी, वो दोनों ही इस चीज़ के ऊपर फिर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। सहारनपुर में देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे बेचने की शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री में जमकर हंगामा किया। उन्होंने फैक्ट्री पहुंचकर फैक्ट्री पर ताला लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। वहीं सूचना मिलते ही थाना सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा। तो सहारनपुर का यह पूरा मामला है जहाँ पर देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे बेचे जा रहे थे, जिससे गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री में पहुंचकर वहां पर जमकर हंगामा किया। फैक्ट्री के बाहर ताला भी लगा दिया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां अपने चुनावी अभियान में जोर शोर से जुटी हुई हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी विजय के मिशन पर राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। अमित शाह वहां पर बीजेपी सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे और चुनाव को लेकर पार्टी के आला पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में संभावित उम्मीदवारों को लेकर किए गए आंतरिक सर्वे पर भी चर्चा की जाएगी, जिसके आधार पर आगे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। अमित शाह के सामने एक बार फिर यूपी में बीजेपी की जीत का रोडमैप बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है। ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है और अपने पिछले दौरे में शाह ने मिर्जापुर में विद्यांचल कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। इस बार के दौरे में उन्हें यूपी विजय की नींव रखनी है। 5 सालों में यूपी में हालात बहुत बदल चुके हैं। चुनावी राजनीति के खेल और उसके नियम भी बदल चुके हैं। पिछली बार अखिलेश सरकार के खिलाफ लोगों ने बीजेपी को झोली भर कर वोट दिए थे। इस बार बीजेपी को अपने काम के नाम पर वोट मांगना है। हिंदुत्व का एजेंडा अलग है और जातियों का सामाजिक समीकरण भी। ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है तो संजय निषाद की पार्टी की एंट्री भी अब NDA में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी को गुरुवार शाम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत करते हुए देखा गया। बातचीत के दौरान कुलियों ने वाड्रा को अपना आजीविका से संबंधित समस्याओं और COVID-19 महामारी के दौरान उनके सामने आए आर्थिक संकट के बारे में बताया। प्रियंका गांधी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा ललितपुर पहुंच चुकी थी और ऐसे में ललितपुर से पाली के लिए भी वो रवाना हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के आज ललितपुर के दौरे पर रहीं और ऐसे में वहां से उन्होंने किसान परिवारों के मुलाकात की और प्रियंका किसान परिवारों से मुलाकात कर खाद की किल्लत का मुद्दा उठाने की कोशिश भी करेंगी। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा में फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। कंपनी के कनेक्ट इवेंट में इस बात की घोषणा की गई। इस दौरान फेसबुक की ओर से ट्विटर पर लिखा गया, फेसबुक का नया नाम मेटा होगा। मेटा मेटावर्स बनाने में मदद करेगा, एक ऐसी जगह जहाँ हम खेलेंगे और 3D तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगे। सामाजिक जुड़ाव के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। फेसबुक की ओर से एक 15 सेकंड का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें ये दिखाया गया है कि फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है। इस वीडियो में मेटा का लोगो भी जारी किया गया है। वर्टिकल आर्ट के तर्ज पर मेटा का लोगो ब्लू कलर में जारी किया गया है। फेसबुक ने पिछले महीने अपने मेटावर्स तैयार करने को लेकर अपनी योजना के बारे में जानकारी दी थी। आपको बता दें कि मेटावर्स शब्द का प्रयोग डिजिटल दुनिया में वर्चुअल इंटरैक्टिव और स्पॉन्स के जानने और समझने के लिए किया जाता है। बता दें कि मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पर एक इंसान शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं होते हुए भी मौजूद रह सकता है। इससे पहले फेसबुक की ओर से घोषणा की गई थी कि सोशल नेटवर्क को मेटावर्स बनाने के लिए हजारों कर्मचारियों की जरूरत होगी और इसके लिए फेसबुक की ओर से ऐलान किया गया था कि 10,000 लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।